गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है वो होने वाला हमारा मीशो फुटवेयर हॉल। तो मैंने मीशो से कुछ फुटवेयर ऑर्डर की थी, मतलब समर्स आ गए तो फ्लैट्स, हील्स और बहुत सारी चीज जो टाइप की जो फुटवेयर होती है वो हमें चाहिए होंगी, तो मैंने मंगवाई थी। और चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट। करते हैं अपने पिंटरेस्टी फुटवेयर से, जो कि हमारी ये हमारी है फ्लावर प्रिंटेड डिटेल ग्रीन प्लेटफॉर्म्स और थ्री साइज मैंने इसमें मंगवाया है एंड ये मुझे मिली है 633 रुपीज की। इसका जो देख रहे हो आप, देखते ही आपको पूरा पिंटरेस्टी वाइब आ रही है, मतलब एकदम फ्लावर कलर भी इसका वैसे ही है, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीन एकदम लाइट सा कलर है और इसमें ये वाइट कलर के फ्लावर बने हुए जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब उसी की वजह से इसमें ये जो लुक है ना पूरा वो आ रहा है और बहुत अच्छी लग रही है। इसकी मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 633 रुपीज़ की ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे भी नहीं बोलूँगी, एकदम कम प्राइस है और बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं, मतलब एकदम सही लगा मुझे प्राइस इसका और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा कुशनी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी कुशनी तो है, कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। आप इसे पहन के इजिली काफ़ी टाइम तक वॉक कर सकते हो और बहुत अच्छी है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। मतलब जो मैंने इसे ओपन किया ना, मुझे लग नहीं रहा था एग्जैक्ट वैसी आएगी आएगी, मतलब जैसे मुझे पिक्चर में दिख रही थी, लेकिन बिल्कुल वैसी है, बहुत अच्छी है, तो उसको ट्राई करके देखना। नेक्स्ट है हमारी ये हील्स, ये ओपन टो पेंसिल हील है हमारी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एग्जैक्ट जैसे ही पिक्चर में दिख रही थी वैसे ही मुझे मिली है। थ्री साइज मैंने मंगवाया है, वैसे मैंने सारी ही फुटवेयर में थ्री साइज मंगवाया, एक फुटवेयर में मैंने फोर साइज मंगाया, शायद उसमें थ्री अवेलेबल नहीं था इसलिए, क्योंकि मुझे थ्री ही साइज आता है। एंड ये मुझे मिली है 589 रुपीज की, जो कि मुझे काफी सही लगी, क्योंकि इसकी हील्स भी देख रहे हो आप कितनी सुंदर है, मतलब इसका कलर बहुत मेटालिक वाला कलर है इसका और बहुत अच्छा है और काफी ज्यादा, मतलब जो लोग हील पहनते हैं उनके लिए कंफर्टेबल होगी, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ। जब मैंने पहली बार इसको पहना ना, तो मुझे बहुत पैरों में, मतलब मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा पहन के थोड़ी वॉक करी तो उसके बाद ये मतलब मुझसे चला जा रहा था, तो ये कम ऐसे हील डुल नहीं रही है, इजी से वॉक हो रही है, लेकिन जो लोग नहीं पहनते ऑब्वियसली बात है वो तो नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी हील आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी है, प्राइस में नहीं है, 589 रुपीज़ की हमारी ये हील्स है, मेटालिक कलर है जो कि सब में बहुत अच्छा लगने वाली है, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते। नेक्स्ट है हमारी ये ट्रांसपेरेंट हील्स, जो कि है हमारी थ्री साइज और इसका प्राइस आप गेस कर सकते हो, गेस करो इसका प्राइस, इसका प्राइस है 286 रुपीज़ और ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है 286 रुपीज़ की। एक तो ये हील है, मतलब फ्लैट भी नहीं है, हील वाली आपको फुटवेयर मिल रही है, ऊपर से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप जो है बिल्कुल भी चीप क्वालिटी के नहीं है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी और बहुत ही अच्छे, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि जो इस टाइप की जो मटीरियल होता है वो थोड़ा सा चुभता है, तो चुभ बिल्कुल भी नहीं रहा था मुझे, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है और यहाँ से हार्ड नहीं है, हल्का सा कुशनी है, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। आप इसको लॉन्ग मतलब रन में आप इसको पहन सकते हो और चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी हील्स आप देख रहे हो काफी सही है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ पेंसिल हील होती है थोड़ी दिक्कत होती है, तो पेंसिल हील नहीं है, काफी ऊंची और इसकी हील्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जब मैंने इसको खोल के देखा ना, तो मुझे नहीं लगा था ये 286 रुपीज़ की, अभी प्राइस चेक किया तो मुझे पता चला ये 286 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी सही प्राइस है मतलब इसका, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखना, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड दिखने में भी स्टाइलिश लग रही है। तो नेक्स्ट है हमारी ये वाली फुटवेयर, जो कि काफ़ी हैवी सी लग रही है मुझे पकड़ने में ही और अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मतलब इसकी फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी आ रही है, चलने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, मतलब ये स्ट्रैप की जो फिटिंग है यहाँ से अगर लूज़ होते हैं पैर तो अच्छे लगते हैं, मतलब फिट वगैरह काफ़ी सही है, लेकिन बस इसकी एक चीज़ मुझे जो कि अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये आप इसके स्ट्रैप देख रहे हो ये ना ग्रे कलर के हैं, मतलब अभी जो मुझे दिख रहे हैं ये ग्रे कलर के हैं, लेकिन जो पिक्चर में दिख रहे थे वो सिल्वर कलर के हैं, तो इसमें दो कलर आपको अवेलेबल मिलेगा, एक ग्रे कलर और एक रोज़ गोल्ड, तो ये वाला कलर तो पिक्चर में दिख ही नहीं रहा है, तो ये वाला कलर मुझे बिल्कुल भी बहुत अजीब लग रहा है, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। बाकी ये हील्स अच्छे, अगर आपको ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो आप इसको मंगा सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं, इसका प्राइस है हमारा 292 रुपीज़ एंड थ्री साइज अगेन मैंने इसमें मंगवाया है। इसकी भी हील्स आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब कंफर्टेबल एकदम, चलने में काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी हैवी, मतलब अकॉर्डिंग टू जितनी भी अभी तक मैंने दिखाई है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा हैवी है, जैसे मैंने उठाया मुझे बहुत ज़्यादा हैवी सी लग रही है ये पार्ट है, ये थोड़ा सा कुशनी है, हार्ड नहीं है, तो आप एकदम कम्फर्टेबल फील करोगे। तो बस मुझे एक चीज़ जो कि इसमें अच्छी नहीं लगी, कि ये जो इन्होंने ग्रे दे रखा है, ये अगर सिल्वर होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, तो मैं इसको वापस नहीं करती, लेकिन मुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे
ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे इसकी ये जो ये स्ट्रैप्स लगी हुई हैं इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा था। तो इन केस आपको ये ग्रे कलर अच्छा लग रहा हो या फिर रोज़ गोल्ड कलर भी आप मंगा सकते हो, तो ट्राई करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारी है ये है हमारी हील्स, और ये मुझे मिली है 564 रुपीज़ की। इसमें एक और कलर आपको मिल जाएगा एंड ये अगेन 3 साइज मैंने मंगवाया है। और इसकी एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि एग्जैक्ट जैसी पिक्चर में दिख जाएगी वैसी नहीं है ये। इसकी हील्स थोड़ी सी अलग है उसमें, मतलब आगे, सॉरी हील्स बोलिए, आगे से जो उसका पैटर्न है ना वो है तो ही ऐसे वो, लेकिन ज़्यादा पॉइंटेड है। ये वाली थोड़ी सी कम पॉइंटेड है, तो मुझे देखते ही लगा यार ये एग्जैक्ट वैसे नहीं। और दिखने में भी ना वो थोड़ी सी शाइनी, मतलब अलग लुक आ रहा था। इसका कलर का भी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मुझे, रोज़ गोल्ड कलर का लग रहा है ये, मतलब बहुत ही क्रीम, आप पता भी नहीं चल रहा होगा आपको उसमें, मतलब थोड़ा सा पिंकिश टोन आ रहा है इसमें, समझ नहीं आ रहा, पिंकिश आ रहा है, हाँ पिंकिश टोन आ रहा है इसमें। इसका जो इसमें जो मटेरियल लगा वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी हील्स कुछ इस टाइप की है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा कुशनी है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आराम से यहाँ पे देख रहे हो हाथ से भी दब सा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छी। इसमें अगर आपको ये वाला कलर अच्छा नहीं लगा तो इसमें एक और कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वैसे ये कलर बहुत सही है, तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप पिक्चर देखोगे और इसको देखोगे थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते। नेक्स्ट है हमारी ये वुमन सैंडल्स, ये मुझे मिली है 389 रुपीज़ की। इसमें एक और कलर अवेलेबल है वो है ब्लैक, क्योंकि ये व्हाइट है, इसके साथ हमें ब्लैक और मिल जाएगा। अगेन 3 साइज मंगवाया है, और ये वैसे बहुत अच्छी लग रही है, आप देख रहे हो बहुत सही लग रही है। पीछे से हील्स कुछ इस टाइप की है इसकी, ट्रांसपेरेंट आपको हील्स मिल जाएगी एंड कील आपको पूरी विजिबल, आप देख रहे हो पूरी विजिबल है। और इसमें जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये कि ये जो ये चीज़ लगा हुआ है ना इसमें, तो ये जो ये वाला मटेरियल होता है ना ये कुछ इस टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेदर टाइप का होता है, मुझे पता नहीं अब इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये कुछ उस टाइप का मुझे लगा था, ये कुछ उस टाइप का मटेरियल होगा, लेकिन ये इन्होंने रिबन लगा के दे रखा है यहाँ पे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब कैमरे पे तो तब पता नहीं चल रहा है, लेकिन सामने पे फ्रंट में बिल्कुल ही, मतलब अजीब, बहुत थोड़ा सा चीप लुक आ रहा है इसमें, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। बस इसी की वजह से मैं इसको रिटर्न करने वाली, क्योंकि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये बहुत ही सामने पे मतलब चीप सा लुक आपको देगा, तो इसको ले तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपके इसको खरीदना चाहिए, तो ये आप मत ही। नेक्स्ट है हमारी ये फ्लिप फ्लॉप, ये 3 साइज मंगवाया है मैंने और 404 रुपीज़ की मुझे मिली है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये आपको वाइट कलर में, इसका कलर ऑप्शन नहीं, इसको कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ये वाइट कलर की फ्लिप फ्लॉप है हमारी, जो कि काफ़ी सही है। इसकी क्वालिटी देख रही हो, और ये कुछ इस टाइप से, मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न बना है, ये वाला प्लेन आपको दे रखा है नीचे से कुछ इस टाइप की, और काफ़ी ज़्यादा बहुत लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगेगी, और काफ़ी अच्छी लग रही है। पहनने के बाद ही इतनी ज़्यादा, मतलब जब मैंने इनको वॉक करा ना पहनने का, इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है ना, एंड हाँ ये ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ ये बताना भूल गई, जैसे मैंने इसको पहना ना सबसे पहले जो मेरा ध्यान गया वो इस पर ही, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब पहनते ही आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको पहन के काफ़ी लॉन्ग वॉक कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है वैसे, 404 रुपीज़ है, वैसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका नाम है फैंसी हील्स, लेकिन ये हील्स नहीं है, फ्लैट्स है हमारी, और ये इतनी ज़्यादा प्रिटी है, मतलब इसका प्राइस आप सुनोगे 177 रुपीज़ की। इसमें मैंने 4 साइज मंगवाया है, लेकिन ये मुझे काफ़ी सही आ रही है, मतलब एकदम फिट आ रही है, इसके स्ट्रैप्स बिल्कुल भी मुझे ये जो है ढीले नहीं आ रहे हैं, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल फ्लैट आप देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट ही आपको मिल जाएगी। इसमें कलर ऑप्शन आपको कोई और नहीं मिलेगा, 177 रुपीज़ की है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है, मतलब ये आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट इसके स्ट्रैप्स दे रखे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, और बहुत अच्छी है, पहनने के बाद आपको लुक दिख जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कौन सी वाली फुटवेयर आपको अच्छी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।